शासन में काम करने वाले देशद्रोहियों को पना देने वाले तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए डंडे उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ता है। जो सिमी के आतंकवादियों के समर्थन में जो लोग नेतागिरी करें, जो बटाला हाउस में शहीद महेंद्र शर्मा का अपमान करें और उस पर हमला करने वाले आतंकवादियों के घर जाएं, वहां बिरयानी खाएं और वो आज आकर भारतीय जनता पार्टी को उपदेश दें, ये संभव नहीं है। इसलिए हम तथाकथित विधायक महोदय को बता देना चाहते हैं कि चुनाव जीतना इसका मतलब ये नहीं है कि गुंडे का टैग हट जाएगा। और इसलिए ध्यान रखो, भोपाल की शांति प्रिय जनता को उकसाने का काम मत करो। बेटियों को जलाने वाले तुम्हारे विधायक ने जो वक्तव्य दिया था, तुम्हारे राज्यसभा मेंबर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चहेते ने, उनको भी माफी मांगनी पड़ी है। और आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन करोगे तो बहनें हैं जो हमारी महिला मोर्चे की बहनें हैं, युवा मोर्चे के नौजवान हैं, ये अपने कार्यालय की रक्षा तो करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आरिफ मसूद साहब, आज 4 दिसंबर है, कल 5 है, परसों 6 है। 6 दिसंबर की मिठाई लेकर फिर हम भी कांग्रेस कार्यालय आएंगे। मिठाई खाओगे? अभी तो कांग्रेस भी राम का जाप कर रही है ना, तो 6 दिसंबर किस बात के लिए जाना जाता है? हम डंडा लेके नहीं जाएंगे, हम काली पट्टी लेके नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस कार्यालय में 6 दिसंबर की मिठाई लेकर जाएंगे। लो मिठाई खाओ, चलो रामलला का मंदिर बनाएंगे। इसलिए हमारा कहना यह है कि मर्यादा की सीमाएं ना लांगे। आपको जो कुछ भी बात करनी है जिला प्रशासन से करो, कलेक्टर से करो, DGP से करो, CS से करो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर बात करोगे तो फिर इनसे बात करनी पड़ेगी। ये क्या दिखाओ आप?